सर्दियों में अक्सर हम जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, और कई बार तो हम जैकेट्स वगैरह इसीलिए कम पहनते हैं कि हमें लगता है कि जल्दी से मैली ना हो जाए, क्योंकि उन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, और मोस्टली लोग एक ही बार ड्राई क्लीन करवाते हैं, वो भी तब जब सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, जब विंटर्स ख़त्म होने पर होती हैं और हमें अपने वूलन्स को संभालना होता है, तभी हम उनको ड्राई क्लीन करवा कर रखते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर जैकेट क्लीनिंग एट होम। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने घर में ही अपनी जैकेट्स को वॉश करती हूँ। तो ये है मेरी जैकेट, और अक्सर जैकेट के कॉलर मैले हो जाते हैं, और अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जैकेट जल्दी मैली हो जाएगी, और इसी तरह से जेब के किनारों पर भी मैल लग जाती है, स्लीव्स मैली हो जाती हैं। कई बार हम किचन में ऐसे ही काम करने आ जाते हैं, जैकेट पहनी होती है और ना चाहते हुए भी हमारी जैकेट पर कुछ ना कुछ लग जाता है, और इसी तरह से पॉकेट्स पर भी मैल लग जाती है। अक्सर हम पॉकेट्स में हाथ डाल के रखते हैं तो वो भी ज़्यादा मैले हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जैकेट की बहुत ही इजी क्लीनिंग। तो हम इसे वॉश करेंगे, तो सबसे पहले जैकेट्स की पॉकेट्स वगैरह चेक कर लें, अगर कोई इसमें पैसे हैं या कोई सामान है या कोई भी विजिटिंग कार्ड वगैरह है तो उनको निकाल लें। तो सारी पॉकेट्स को पहले एक बार ज़रूर चेक करें, कोई कीमती चीज़ तो नहीं है, धोने से पहले आप इनको ज़रूर चेक करें। तो सबसे पहले एक टब लेंगे। जैकेट वॉश करने के लिए मैंने सेफ वॉश लिया है, ये डेलिकेट कपड़ों के लिए ही होता है, वूलन सिल्क ऐसे फैब्रिक के लिए ही होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कैप लिया है सेफ वॉश, तो आप चाहें तो आप इजी भी ले सकते हैं। और अभी टब में मैं डाल रही हूँ गुनगुना पानी, तो अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वूलन्स वगैरह धोने के लिए पानी ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तो हल्का गुनगुना पानी ही ठीक रहता है। और अभी इसमें हम जैकेट डालकर रख देंगे, अच्छे से सोक करेंगे। तो आप इतना बड़ा टब जरूर लें कि जिसमें आपका जो भी वूलन आपने धोना है वो अच्छे से सोक हो सके, अच्छे से पूरी तरह से डिप हो सके। तो अभी हम इसको आधा घंटा इसी तरह से सोक होने देंगे। बीच में एक बार हम इसको उल्ट पुल्ट कर देंगे, तो उसकी ऊपर की साइड को हम नीचे कर देंगे ताकि अच्छे से सारी जैकेट हमारी सोक हो सके। आधा घंटा हो चुका है, तो अभी जैकेट को हल्के हाथों से मलेंगे। जैकेट के कॉलर, जिप के किनारे, स्लीव्स और पॉकेट के आसपास हल्के हाथों से मलेंगे, जहां जहां पर भी जैकेट पर मैल है हल्के हाथों से मलें। तो एक स्लीव को पकड़कर दूसरी स्लीव से इस तरह से मलकर साफ करेंगे, तो इससे जैकेट की स्लीव्स खराब नहीं होंगी। और अगर हम एक ही स्लीव को पकड़कर ऐसे साफ करेंगे तो स्लीव्स खुली हो सकती हैं, तो आप एक स्लीव से दूसरी स्लीव को इस तरह से साफ करें तो इससे जैकेट की स्लीव्स आगे से वैसे की वैसी ही रहेंगी, खुली नहीं होंगी। अगर आप भी सिर्फ इसीलिए अपने कई वूलन्स कम पहनते हैं कि उनको बार बार ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा, तो एक बार घर पर ही इस तरह से अपनी जैकेट्स को वॉश करके देखें, आपकी जैकेट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और इसी तरह से आप अपने कोट को भी वॉश कर सकते हैं। वैसे भी जैकेट को हमेशा हाथ से ही धोना चाहिए, वॉशिंग मशीन में धोने की गलती कभी ना करें, वॉशिंग मशीन में धोने से आपकी जैकेट खराब हो सकती है। तो इसी तरह से मैंने हल्के हाथों से पूरी जैकेट पर अच्छे से मल दिया है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। इससे पहले मैंने जैकेट को फोल्ड करने के तरीके का भी वीडियो शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, उसमें मैंने जैकेट फोल्ड करने के बहुत अच्छे तरीके बताए हैं, जिससे कि आपकी अलमीरा में काफ़ी जगह बनेगी और आपकी जैकेट्स इजीली आप ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट्स अपनी अलमारी में रख सकते हैं। तो इसी तरह से सारी जैकेट को मैंने हल्के हाथों से मल दिया है।
अब जैकेट को हम साफ पानी से निकाल लेंगे। तो जैकेट को एक बार बाहर निकाल लेंगे और टब में साफ पानी भरेंगे। और फिर साफ पानी में जैकेट को उलट पलट करके 2-3 बार साफ पानी में से निकाल लेंगे। तो जैकेट को निचोड़ने की गलती कभी ना करें, तो इसको ऐसे ही बाहर निकाल कर रख लें। तो इसी तरह से मैंने जैकेट को बिना निचोड़े 3 से 4 बार साफ पानी में से निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि टब में पानी साफ है। तो अब सारा डिटर्जेंट जैकेट में से निकल चुका है। तो अभी जैकेट को किसी भी बकेट के ऊपर रख देंगे या फिर टैप के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो मैं जैकेट को बकेट के ऊपर रख दूंगी ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि जैकेट को हमने निचोड़ा नहीं है और गीली होकर जैकेट काफ़ी भारी हो जाती है। तो इसका एक्स्ट्रा पानी हम ऐसे ही निकलने देंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसको सूखने के लिए डाल देंगे। तो इसे सुखाने के लिए आप या तो रेलिंग पर इसको डाल दें या फिर किसी फ्लैट जगह पर रखें, इसको तार पर ना लटकाएं। तो अभी जैकेट सूख चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जैकेट कितनी अच्छी तरह से साफ हुई है। तो इस तरह से हमें जैकेट्स को ड्राई क्लीन करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में इसको बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस तरह से अपनी जैकेट को धोकर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल मोनिकाज़ DIY को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए मोनिकाज़ DIY को देखते रहें।